हमने देखा कि आपने काजोल का और साहिल शाहरुख खान का मेरा हमेशा ये बहुत अब देखिए आप जैसे शोज लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें आप करते हैं इसके अंदर, गंदे गंदे सवाल आप पता नहीं क्या क्या पूछ रहे होते हैं। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए आज जो आ रही है नाम से ही जाहिर है कि अमन पसंद है। आपकी भरपूर तालियों में स्टनिंग लुकिंग सनम जाग। सनम कैसी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टीवीएस देखा है पहले आपने? हाँ जी बिल्कुल। अकेले देखा है? अकेले हाँ अकेले देखा है, मोबाइल पे देखा है, म्यूट करके देखा है, हेडफोन्स लगा के देखा है। क्या क्या कर रहे हैं यार? क्या पापी पेट के लिए करना पड़ा? बहुत पापी हुआ है पेट आज कुछ ज्यादा ही। अच्छा आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, हमने पूछा कभी? हमने कहा कभी? मैंने ऐसा कोई कंटेंट नहीं किया है ठीक है जिसपे लोगों को हेडफोन्स लगाने पड़े। हाँ सीधा बंद कर देते। मेरा अपना क्राउड वीजे से स्टार्ट किया जी, ये क्या हो ऐसी क्या खास बात है वीजेस में कि वहीं से लोग स्टार्ट कर रहे हैं अक्सर? मायरा खान हो गई, आप हो गई, अनुषा अशरफ हो गई, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसी तरह करते हैं। होता क्या है? किस्मत होती है और हो जाता है फिर। इतना सादा सा जवाब, 5-10 मिनट में इंटरव्यू खत्म करना चाहते हैं। और नहीं तो क्या? जर्नी क्या थी, मतलब वीजे बनी कैसे बनी, कि आप भी गजनफर अली साहब की इजाद हैं, मतलब वो है? नहीं नहीं, तो कौन है जो आ रहा है उनका नाम जरूर ले रहा है, लगता है वो कोई बड़ी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली उस टाइम पे MTV सबसे ज्यादा चलता था और सबसे मेन चैनल था और सब सारे वीजेस उधर के ही थे। लगता है आप अपने सवाल याद नहीं करके आए, बार बार नीचे देख रहे हैं। मैं कौन सा एग्जाम देने आया हूं, रोस्ट करने आया हूं। अगर मैं आपसे पूछूं सनम कि 5 मसले खवातीन के ड्रामों में क्या हैं? 3 नंबर का सवाल है, छोटे छोटे मसले बताने। ठीक है तो 5 मसले, एक तो वो जो शौहर है वो किसी और में इंटरेस्टेड होता है, सास को हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, अगर सास को नहीं होगी तो नंद को प्रॉब्लम होगी, वरना पैसे की कोई प्रॉब्लम होगी। 4 होगी। आखिरी दिन शो खत्म। आखिरी पीछे वाले से पूछ ले, कोई नहीं है ना पीछे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी। हो नहीं रहा, ये होती प्रॉब्लम, नहीं ऐसा होता है, ये मैंने देखा है इसमें। जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान, बे उठ भाई पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कहाँ सो रहा है पाकिस्तान जो इतना जगह, और जाग क्यों नहीं रहा ये पाकिस्तान? ये टीवी चैनल से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं जाग रहा। मैं टीवी चैनल को बुला लेता हूँ। जब तक व्यूअर्स नहीं उसको देखना बंद करेंगे, स्विच नहीं करेंगे, तब तक वो चैनल आपको चीज देता रहेगा। बट देन आपके पास पावर है ना रिमोट की, इस्तेमाल करें। सारी मसाइल आवाम के हैं, आप लोग सब ठीक कर रहे हैं। यही लोग हैं जो गलत काम देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छे शोज भी कर रहे होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब देखें आप जैसे शोज लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें आप करते हैं इसके अंदर, गंदे गंदे सवाल आप पता नहीं क्या क्या पूछ रहे होते हैं, पर लोग देख रहे हैं। अभी तक मैंने कितने गंदे सवाल पूछे? शुक्र मेरे साथ कोई गंदे सवाल नहीं पूछे, किसी से भी नहीं पूछ रहा हूँ, लोग सवाल गंदा कर रहे हैं मेरा। पूछता तो मैं सवाल पूछूं आपका नाम क्या है? अच्छा मेरा नाम अब गंदा हो गया। अच्छा एक मुझे याद है आपका एक मॉर्निंग शो था, अभी मॉर्निंग शो में चलेंगे फिर आगे सवाल भी। अच्छा ये मॉर्निंग शो से जान इंच छुटती है, छुड़वाएं इससे जान। अच्छा ये मॉर्निंग शो, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ रेसिज्म के ऊपर, ये रख ले मेरे ऊपर। तो इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ, कितने लोग फायर हुए, कौन निकाला? कोई भी नहीं निकाला। इस पे भी कोई फायर नहीं हुआ? मेरी बात सुने, सबको कंटेंट चाहिए, हम टीवी चैनल्स हैं, हम कंटेंट ढूंढते हैं, आप मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स को भी कंटेंट चाहिए। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर कंटेंट, कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट के चक्कर में किसी की वाट लगा दी। लग गया। यही तो नहीं कर रहे हम बासित, यही तो नहीं कर रहे हम, यही तो कर रहे हैं। अच्छा हमने अल्लाह का शुक्र है अभी भी यही तो कर रहे हैं। अच्छा सुना है इसका, ऑल स्टार्स आर यूज, एक परसेप्शन है कि थोड़े ड्रामा क्वीन होते हैं। अच्छा या किंग भी हो सकते हैं। हाँ। तो क्या आप में है थोड़ा सा यार हैट्रिक हो रहा है आज? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सादा खुश। आप तो असफर से भी पूछ सकते हैं, उनके साथ मैंने कहा कभी सर में दर्द हुआ ऐसे जब नहीं होना चाहिए था? नहीं मुझे सर में जब दर्द भी होता है तब भी मैं कुछ नहीं करती इस तरह का, मेरी तरह बिल्कुल फूड पॉइजनिंग में बैठा हूँ।
शादी हो गई माशाल्लाह आपकी, अल्लाह का शुक्र। कैसे मुलाकात हुई? ये क्या, कैसे मुलाकात हुई? ओके, सो कसाम मेरे साथ स्कूल में था। Okay. मेरा दोस्त था पहले से। वेरी नाइस। हाँ। तो आपका मतलब बचपन से ही था कि इन्हीं से करनी है या बड़े होकर रियलाइज हुआ कसाब अब अच्छा हो गया? कसाब कसाब कौन है? कसाम है, मीम कसाम, आखिर कसाम, में। सही, कसाम। कसाम। बचपन से आपने डिसाइड कर लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल वो ऐसे नहीं होता, आप दोस्त होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कहीं फ्री होना शुरू। हाँ बस जो आप समझो। नहीं यही ऐसा ही तो मैं खेलता हूँ। सुबह बीच में फिर हम यू नो स्कूल्स चेंज हो गए थे ये वो, फिर उसके बाद वापस मिले तो यू नो मेरी फैमिली और उसकी फैमिली हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और फिर आसानी हो गई शादी। बिल्कुल ही आसान है। कसाम आपको शादी करनी है? जी जी मुझे करनी है। ओके डन, पैक अप। कोई विलन ही नहीं था ना, कोई बीच में मसला नहीं था। हाँ। शौक है आपको कुछ शादी में होता, कुछ फिल्म होती, सीन होता, कोई आता नहीं हो सकता? हाँ मजा आता ना, कि नहीं हो सकती, मैं वेट करती रही। अब मना करे कोई, किसी ने मना ही नहीं किया, बस ठीक है। आए हाय। अच्छा क्या करते हैं कसाम? पायलट है? नहीं जी, पायलट है जी। क्या उड़ा रहे हैं आज? नहीं होता है ना, जहाज डिफरेंट जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाता है कोई, पैसेंजर प्लेन उड़ाते हैं। जी जी। कभी आपको उड़ाया उन्होंने? आप पीछे बैठी हो वो जहाज? नहीं वो प्राइवेट जेट, वो हाँ हाँ हाँ। ये गंदा कर रहे हैं शो। अच्छा बोल, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। हाँ जी जी। तो पायलट पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं, प्राइवेट जेट उड़ाते हैं। प्राइवेट जेट किसका है? वो प्राइवेट जेट जिसका भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका में उड़ाता है। और आप यहाँ देखती रहती हैं जहाज? कसाम मैं इंतजार करती रहती हूँ कि यहाँ कब आएगा वो जहाज। आते हैं वो अक्सर, चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान? जी जी अभी होके गए हैं। टीवी पे काम करने को, डरने की बात नहीं है, रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप वहां तक नहीं जा रहे, हम वहां नहीं जा रही। अच्छा ओके ओके ओके, इजी हो जाए। बासित तुम्हारी वजह से ये सब। बासित कौन है? अच्छा अच्छा, वो टीवी पे काम करने से सपोर्टिव है, कहते ही करो? या ही डजंट माइंड। शुरू में थोड़ा वो होता है ना, शादी के वक्त हर लड़का थोड़ा इनसिक्योर टाइप होता है मेरे ख्याल से, तो उस वक्त थोड़ा सा। नहीं, आपकी शादी हुई भी है? आपकी बीवी टीवी पे काम करती है? क्या करती है? टीवी देखती है। तो वो तो उससे तो आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी ना? नहीं बस ठीक है, वो जो शुरू का टाइम होता है ना आप, एंड आई थिंक हर लड़की अग्री करेगी कि आपको थोड़ा सा अपने घर को वक्त देना चाहिए, एंड आई थिंक जब आप घर को वक्त देते हैं तो फिर सब आसान हो जाता है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ, अपने घर को वक्त दिया। मैंने घर को वक्त दिया, मैंने बेटी को वक्त दिया। माशाल्लाह। यू हैव अ डॉटर? आई हैव अ डॉटर। तो अभी क्या नाम किया उसका? अलाया। क्या बनेगी अलाया? पता नहीं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता। नहीं अच्छा, कुछ बच्चे नीचे से स्टार्ट, मैं जमादार बनूंगा, इस तरह बनूंगा, ये करूंगा, ये भी अच्छी मतलब प्रोफेशन तो है ये भी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चेंज होते रहते हैं। मैं बचपन से फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारे वो MBA करके बैठ जाते हैं। हाँ देखिए हम दोनों बैठे, मैंने भी किया है, ये काम कर रहे हैं हम लोग, MBA से ये हो रहा है, देख लें। बिल्कुल डरना नहीं है ना, बिल्कुल कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसा होता है, कसाम आए हुए बैठे हुए, हाँ। आप रेस्टोरेंट में बैठी हुई, हाँ। और फैंस आ रहे हैं, आपसे सेल्फी कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं बल्कि जरा तस्वीर खींच दीजिए। ये होता है? नहीं नहीं, वो उनके साथ भी खिंचवाना चाहते हैं, कर्टेसी में कि यार बुरा ना लगे कसाम। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं नहीं भी होती हूँ तब भी उनके साथ लोग खिंचाना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज मत खींचना किसी के साथ भी तस्वीर, कोई पता नहीं क्या बात बना दे। वेरी नाइस, बहुत उनका संभाल के रखा, संभाल के रखा है, धूप से बचा रही है, पानी से बचा रही है, कागज के हैं। नहीं लोग एक्चुअली प्यार करते हैं, तो जब वो फ्लाइट पे होता है, ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान में इधर था, कराची इस्लामाबाद लाहौर की बड़ी फ्लाइट होती थी, और यूनिफॉर्म में होता था, तो लोग बता सकते थे कि एक तो तस्वीर भी देखी हुई है, पायलट भी है, तो लाइक लोग जाते थे कि ओ योर सनम जंग्स हस्बैंड, कैन वी प्लीज हैव अ पिक्चर विद यू, सो ही वुड बी लाइक मैं क्यों? कभी उन्होंने ये नहीं कहा नो शी इज माय वाइफ, इस तरह होता। मेरे अब्बू कभी यूनिवर्सिटी आते थे, लोग कहते थे ताबिश के अब्बू, ताबिश उनकी हड्डी जाती। अच्छा नहीं, अरे वो मेरा बेटा है। हां मेरे अब्बू भी ऐसे हैं। हां हां, कि क्या मतलब क्या उखाड़ लिया इसने, क्या केस, क्या क्या होता है, बकरा ही दो। अच्छा माशाल्लाह से ड्रामों में जो आप काम करती आई हैं वो तो आपने देख लिया, अपने कंटेंट बताया कि ये है। अपने इन-लॉज के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी ब्रीफ कंसाइज। एक्चुअली मेरे इन-लॉज अच्छे हैं, सास कोई टेंशन नहीं देती, ससुर कुछ मांगते नहीं, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं, सब अपने घर में खामोश बैठे रहते, बात ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं बात करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि बहू हमारे लिए कुछ बनाएगी, बहू उनको पता है बहू बिजी है, बहू कुछ नहीं करेगी, बहू कुछ करेगी नहीं, और कहेंगे तो कर लेगी, तो छोड़ो जाने दो उसको, खुश रहो, वो अपना खुश रहते हैं, मुझे खुश रहने दो, जो आ रहा है
जिसकी शादी हुई हुई है, पूछ रहा हूँ सास ससुर कैसे। मेरे अपने भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बीवी भी ये कहती है अच्छी सास है। हाँ। तो ये बुरी सासें कहाँ हैं जो टीवी पे दिखाई जा रही है, कहाँ से ला रही है इंस्पिरेशन, कहाँ से आ रही है? कुछ सासें होती हैं, कोई एग्जांपल आपने कोई सास देखी हो अच्छे मॉडल की सास? मैंने देखी है, मतलब मैंने देखी नहीं, मैंने सुना है कि मतलब होती हैं बहुत टफ टाइम देती हैं कि घर आओ तो हमसे यू नो बैठो, आज खाना ये वाली बहू बनाएगी, कल खाना वो वाली बहू बनाएगी, टफ, बच्चों को नहीं संभालती। कुछ लोग तो बिल्कुल मना कर देते, नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अपने बच्चों अपना खुद देखो, खुद देखो। मेरी अम्मी भी संभालती है, लायको कसाम की अम्मा भी संभालती है, तो मेरे पास बहुत सपोर्ट है। ऐसी सासों को कहना चाहिए फिर अपने बेटे को भी खुद ही देखो, संभाले ले जाए, हम नहीं देखे। मेरी सास तो इतनी अच्छी है कि एक दफा इतनी कि एक दफ़ा वो हमारे घर आई तो मैं ना कसाम की चीज़ें निकाली थी, कपड़े और ये वो जिम के कपड़े और यू नो उसकी जो यूनिफॉर्म होता है वो सारी चीज़ें, तो कहती है क्या कर रही हो जिम के कपड़े क्यों नहीं? मैंने कहा उसको जाना ना, वो कह रहा था कि वो जिम के कपड़े निकाल दे। कहती दिमाग सही है तुम्हारा, अच्छा खासा मैंने लड़का दिया है, खुद से सब कुछ करते हैं, तुम उसको खराब क्यों कर रही हो? जिंदगी भर तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप, छोड़ो। उसके बाद फाड़ दो कपड़े, फाड़ दो। नहीं नहीं मैं नहीं कर रही। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा तुम्हारी अम्मा ने मना किया भाई। सास हो तो ऐसी हो ना यार, ये तो मतलब मेरी भी अम्मी ऐसी है, अपनी बहू के साथ मिलके मेरे खिलाफ प्लानिंग करती रहती हैं। ये ताबिज तो है ही ऐसा। मैंने कहा अम्मी मत इतना मत बताओ उसे, मैंने बड़ा कैरेक्टर बनाया। यही तो रिलेशनशिप होती है ना जो होनी चाहिए, फिर बहू भी रिलैक्स फील करती है। ये होता है कि मॉर्निंग शोज में अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं किसी ऑडियंस मेंबर के या किसी को बुला के। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि यार बीइंग अ मॉर्निंग होस्ट शो आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो? आई रिमेम्बर के एक जमाना था जब आप यूर आपकी नई नई बेटी हुई थी, ओके बॉडी शेमिंग सीधा पूछो ना, तब घुमास के सवाल सीधा पूछो, लोग नाराज हो जाते यार क्या बात पूछ रही है, यूं लाया मैं चौरंगी घुमा। सो हाँ ऑब्वियसली बिकॉज मैंने 20 किलोज गेन कर लिए थे, तो मैं बहुत ह्यूज थी और आपको पता है कैमरा में फिर और भी आप यू नो ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली 10 pounds एक्स्ट्रा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था ना, तो मैं कुर्सी के पीछे छुपी होती थी, मैं किसी तरह अपने मैं यूं करके बाल बनाती थी ना कि मैं इतना सा अच्छा, मेरी वाइफ कहती थी इन्होंने ये इसलिए क्या बताया कि थोड़ी हाँ बेचारी, सबको पता, सारी लड़कियों को पता है कि बेचारी के दिल में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत कॉन्शियस कर रही थी और वो फिर आर्टिकल्स और सबका मेरा वेट के बारे में बात करना, नेशनल न्यूज़। तो फिर मैं गई सुल्ताना आपा के पास और मैंने कहा मुझे नहीं करना यार, मुझे नहीं शो करना, मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ। अब मेरे दिमाग में बस यही होता था वेट 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 वेट। तो या आई वाज वेरी हर्ट। उसके बाद फिर कसाम ने मुझे ट्रेडमिल खरीद के दी। वाह, उसमें तौलिया टंगी है, उसमें तौलिया टंगी है। लेकिन देन आई लॉस्ट 17.5 किलोस। नहीं, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और वेरी गुड यार, वेरी नाइस। कभी कभी लगता है हमसे, हम जैसे लोगों से बड़े काम जो है ना ये लोग ताने मार के ही करवा सकते हैं। हाँ, हम ऐसी ढीठ है ना, ऐसे करने जब तक हमें मारे नहीं पड़ती बचपन में, या फिर डांटे नहीं, या कोई ताने नहीं देता, तो वो तुमसे होएगा ही नहीं। तो आप कहते हैं नहीं होगा मुझसे, अब मैं बेटा अब मैं करके बच्ची आप देखा जैसे होता है ना फड्डों में हाथ लगा के देखा, हाथ लगा के देखा, हाथ लगा के देखा, ये चलता रहता है, और फिर हाथ लगा दो कहते अब लगा के देखा, अब फिर से नहीं लगाना। और एक और चीज दूंगा इसी, अच्छा जोक याद आ गया, पाकिस्तान में डीए वो कैसे होता है, पैटर्निटी टेस्ट कैसे होता है? तो अपने बाप का बच्चा है तो हाथ लगा के देखा, डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं, हाथ लगाया, हाँ हाँ बाप, हाँ ठीक है ठीक है। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए इंडस्ट्री में बड़ा मेजर स्क्रू अप किया है आपने, कोई ऐसा भंड मार दिया कोई बहुत बड़ा? अच्छा यू नो व्हाट, मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं करती, बिकॉज वो लाइव शो होता है तो हो गया क्या हो गया, व्हाट्स द बिग डील। तो मैं अपने ऊपर ही हंस देती हूँ, क्या बोल दिया मैंने, इसी तरह का वो आसान है, वो आसान है, बच जाता है। जब आप ज्यादा बनते ना कि ओ आई एम सो कूल, तो लोग कहते हैं बेटा मैं बता दूं वो सो कूल चौड़े में हो गए ना, अगर आप चौड़े में हो गए ना वहां फंसते हैं, तो मैं कभी चौड़े में आई नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं करो, मैं तो ओहो मैंने क्या बोला, गलती हो गई, बहुत आला सारा काम आता है आपको। अच्छा सनम, मैंने आपका वो इंटरव्यू, बड़े झूठे हो, इतना अच्छा है, ओ वाह सनम बड़ा झूठा आदमी है, आई भी नहीं लगाई हुई, क्या नहीं लगाई हुई, वही तो ठीक है ठीक है, पूछ, हाँ नहीं लगाई हुई ना, बच्चा आता है ना आई भी थोड़ी, अरे वो गंदी गंदी बातें करते थे अश्वर भाई यार, अच्छा 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 लग रहा है तू जानू, इस तरह अपना कर दिया क्या करे यार, मैंने खुद ही निकाल दिया, नहीं मैं खुद नहीं नहीं चाहिए, हाँ सही। अच्छा बहुत ही इम्प्रोव शो है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आईवी आईवी कुछ नहीं, खुला खेलते हैं, आईवी में क्या लगता है पूरी स्क्रिप्ट बड़ा बता रहे हो, तो एक पैर पूछ इस तरह बैठ जा सही कर ले टांगे, हाँ ये सब मैं सब नेचुरल ले रहा हूँ। तो अब सवाल भूल गया ना मैं, हाँ सवाल ये था, हमने देखा कि आपने काजोल का और साहिल शाहरुख खान का मेरा हमेशा ये बहुत
कंफ्यूजन रहती है कौन कौन है। मैं निकल नहीं पाता ना उससे, शहर से नहीं निकल पाता शहर के। अच्छा जुमला, वोकैबुलरी की डेप्थ दिखाई मैंने। साहिर भाई का मैं कंफ्यूज रहता हूं, इनका नाम साहिर है या शहर है। ओह माय गॉड, देखता हूं तो शहर है, मिलता हूं तो साहिर है। अच्छा, इंडस्ट्री में हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का रिवाज दुनिया भर में है, इसके ऊपर डिबेट नहीं। आपने भी कराई हुई है? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो शो हिट होना शुरू हुआ है, आएंगे आएंगे इंशाल्लाह। अब आएगी नाक की बारी, कान की बारी, अब आएगी। मैं तो अभी एक कान छोटा एक बड़ा है, और से देखो, और से देखो। हाँ। खुद रिवील किया मैंने, राइट वाला छोटा और ये वाला। ये मेरी बहन ना बचपन में ये कान खींचती रहती थी, खींचती उसको पसंद, उसको पसंद। अब बीवी को बोले वो वाला कान, अब बेटे को पसंद है कान, वो खींचता रहता है, तो वो वाला वो भी नहीं खींचता। इस कान में कुछ है, इस कान की खास बात ये खींचने वाले के लिए बात। तो लोगों ने कराई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इनमें से नाम लूंगा, इनमें से सबसे अच्छी किसने कराई? अच्छी और कोई बुरी बात नहीं, वो सब अग्री करते हैं हमने कराई। अच्छा, हम भी बेवकूफ नहीं है, हम आवाम, हमें पता चल रहा है किसने कराई। बट ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आप बताएं तो फिर मैं। अच्छा, नादिया ने कराई, निदा ने कराई। अच्छी, नादिया खान ने कराई है? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे तो इतनी अच्छी कराई पता नहीं चला। अच्छा, निदा शाइस्ता, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने भी कराई है क्या? बाल लगवाए उन्होंने, अच्छे वाले। अच्छा, फूल बाल लगवाए। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। जुगन काजमी क्या कराया? कुछ कराया उन्होंने भी यार, इन्होंने ऑप्शन लिख के दी, मुझे क्या पता, मैं कभी जाके चेक करता था। मुझे भी तो नहीं पता। या फिर ये अपना जो है सनम बलोच, सनम बलोच ने भी मुझे नहीं पता, आई प्रॉमिस, लगता भी नहीं है यार, नहीं कराई इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा, तो किसने सबसे अच्छी कराई है? हाँ, सनम बलोच ने बहुत अच्छी कराई, बहुत अच्छी, उनके डिंपल कितने अच्छे पड़े हैं। हाँ ना, नेचुरल, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। अच्छा, अब आप सुबह जागे एक दिन और आपको पता चला मैं तो निदा यासर बन गई, जादू हो गया, जादू। सुबह उठ गया, उठी आप निदा यासर बन चुकी, एयर से फोन आ रहे हैं, कहाँ रहेगी निदा, कहाँ रहेगी, क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, खुश होंगी, निदा ये क्या, क्या कहेंगे? नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले बैंक और सारे पैसे निकाल लूंगी, खुदा हाफिज। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उनका कोई और काम नहीं है, सिर्फ पैसे की मशीन है वो। और क्या करूँ मैं निदा बन के, उसका घर है, उसके बच्चे हैं। वो नहीं चाहिए आपको? मुझे क्यों चाहिए होंगे, मेरा पास अपना घर है, अपने अपने अपनी बेटी है, तो मैं उधर जाऊंगी कि उनके घर जाऊंगी? बस पैसा चाहिए आप, पैसा। I don't mind. सिर्फ पैसा। Stop it, यार। अच्छा सनम, आप क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पढ़ी हैं। अच्छा सही है, तो भूल गई थी? नहीं, अच्छा। वैसे काफी अर्से हो गए, भूल ही गई। तो कोई ऐसी शरारत प्रैंक जो आपने प्ले किया हो अपने जमाने तालिब इल्मी में? ओ गॉड, कितने साल पुरानी बात है। उस पे आप लड़की कह रही थी अभी, अपनी थी तो पुरानी बात ही है। अच्छी खासी पुरानी बात है। मुझे बस एक बात याद है कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी नहीं, ए लेवल्स में थे, तो सब रोज़ाना हर कोई बंक कर रहा होता था ना। ठीक है, तो मैं इस दफ़ा मैं अपने अब्बू अम्मी को बता के गई थी आज मैं स्कूल बंक करूँ, बता के बस। सोच इतनी शरीफ थी कि मैं अब्बू यार एक्सपीरियंस आज नहीं, अब्बू ने कहा बच्ची यार बंक करना है करने, तो कोई बात नहीं ना। तो आज हमने प्लान बनाया था कि रोज़ाना हर कोई बंक कर रहा होता था आज, तो मैं माँ बाप को बता के गई थी ना कि मैं तो बंक करूँगी। ठीक है, तो वो बंक करने की कोशिश, वो एक दीवार थी इतनी बड़ी नहीं थी, तो उधर से सारी सब लोग लड़के लड़कियां फलांग के जाते थे ना, तो मैंने भी कोशिश की, तो बस आधे रास्ते पकड़ी गई मैं, पकड़ी गई बड़ी बेइज्जती हुई थी, आधी उधर थी मैं, आधी इधर थी। वो गार्ड सीटी बजाते हुए आगे चले जी, मैंने कहा ओके भाई, तो आप आधी उधर उतर जाती ना यार। आपके नाम जो है सनम, अब ये तो बहुत इटसेल्फ इज अ पिकअप लाइन, आई स्वेयर, बहुत प्रॉब्लम हुई थी बचपन में। हेलो सनम, तुम्हें मोहब्बत की कसम, यहीं से शुरू हो जाएगा ना। ओ सनम मोहब्बत की कसम, बात बैठी है। जब मैं नई नई वीजे बनी थी ना, तो ऑब्वियसली लोग जानने भी लगे थे ये वो, तो अब उस टाइम पे तो हम जाके गल्फ से और आशियाना से कपड़े लेते थे खुद से जाके, भाई थोड़ा कम कर दो ये वो। अब जब कोई जब गुजरे तो कोई सनम वाला गाना गाते, समझ नहीं आता था यार ये मुझे देख के गाना गा रहा है, ये एक्चुअली वो इन्जॉय कर रहा अपना गाना गा रहा है। तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी ना, मुड़ के डांटूंगी तो कहेगा क्या हो गया बाजी, हमें थोड़ी पता आपका नाम सनम है। बाजी पे उतर आएगा वो, यही होता है। सबसे बुरा तो मुझे क्या लगता है, जब लड़कियां इससे वो करेंगी कि जब हम बाजारों में जाते हैं, बेबी बेबी इधर, ये क्या बेबी और ये बेटा बोल दो। अच्छा, बेबी डायरेक्ट, माशाल्लाह, और माशाल्लाह क्या माशाल्लाह यार, ये तो खैर हाँ इनके अंदर है कीड़ा लड़कों के अंदर, इनसे रोका नहीं जाता। अच्छा, इनको कुछ मिल भी नहीं रहा, ये इतने हम जैसे लड़के शरीफ लड़के, हमारी जिंदगी में ऑल बॉयज का मसला था, शरीफ लड़के, मैं था शरीफ था, शादी शुदा हूं, दो बच्चों का बाप तब कर रहा हूँ, टीवी अच्छे
शराफत की इंतहा है। मेरी मासूमियत देख क्या चाहता हूँ। तो अच्छा, ये गल्फ से याद आया, गल्फ में खास चीज होती है ना, दुकानदार बोलते हैं, हर किसी को ये बोल रहा है, बस आपके लिए ये दाम, बाजी आपके लिए ये रेट है, ऐसा ही है। आप कहीं पूछती, मेरी बहन पूछ लेती थी मेरे लिए क्यों, वो बहस शुरू करते थे मेरे लिए क्यों, क्या मैंने क्या किया ऐसा, क्या है, तो मैं कहता था चले छोड़े बाजी महंगा ही ले लें। अच्छा, मुझसे नेगोशिएशन नहीं होती, मुझे शर्म आती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे सच कह रहा है कि इतना कम कर दिया है। और जब मैं जाती हूँ ना, जैसे संडे बाजार, कौन कौन गया है, आप सब गए होंगे ना, सब गए तो संडे बाजार, आप वो ले रही थी इनसे कि यार एक्सेप्टेबिलिटी देख रही थी कि मार्केट में नहीं, तो उनको भी पता होगा ना, संडे बाजार जाते हैं तो 1000 कहते हैं तो हम 500 कहते हैं, तो बीच का कोई आता है। जब मैं अभी, मुझे बड़ा शौक है ना कि मैं जाके देखूं, और वो जो वाज वगैरह वो सब मिलते हैं, मुझे उनका बहुत शौक है। तो मैं गई, मैंने कहा वाओ कितना अच्छा, मैं कहा ये कितने का, अरे बाजी आई है मॉर्निंग शो वाली, और अरे भाई इनको सही रेट देना, शाइस्ता बाजी, सनम बलोच, लोग मुझे ये सनम बलोच आई है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है यार, जिसमें तुम खुश हो। तो अब जब ये बोल दिया ना, इनको रेट अच्छा देना, फिर वो कहते मैं कितने का भाई, 1500 लोच, थैंक यू, खुदा हाफिज़। बाजी कम भी नहीं करा सकती बाजी, अब सेलिब्रिटी है तो बहुत सस्ता तो यार क्या करे, मैं इतना सस्ता कमा कैसे नहीं। सनम, ऐसा कोई सीरियस सवाल नहीं है। अच्छा, फिर कोई डर ऐसा किसी छोटी चीज, छुपकली से, चूहे से, बिल्ली से, हाइट से एक्रोफोबिया आपको? हाँ हाँ, हाइट से बहुत डर लगता है। अच्छा, और छोटी जगहों में, स्पेसेस में, लिफ्ट से मैं बंद हो गई थी, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हूँ, लिफ्ट में मैं बंद हो गई थी कोई 12 मिनट, एंड आई वॉज 8 मंथ प्रेगनेंट, ठीक है। तो शो खत्म हुआ तो मैं लिफ्ट में, मैं, मेरी कंटेंट प्रोड्यूसर और एक और दूसरी भी लड़की थी हमारे साथ, और हम तीन लोग थे, ठीक है, हम तीनों अच्छे खासे हैवी थे। और उसके बाद हम बातें करें, एकदम से लिफ्ट बंद हो गया, हमें पता ही नहीं चला, एक आवाज़ आई गुडम, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसी एक लड़की ने कहा कि मुझे लगता है लिफ्ट बंद हो गई, अब तक तो सब ठीक था, कोई 5 मिनट गुजर चुके थे, महसूस नहीं हो रहा था लिफ्ट बंद नहीं, लेकिन जैसे 5 मिनट हो गए जमीन नहीं आ रही। और जैसी उसने कहा कि लिफ्ट बंद होगी, मैंने कहा क्या, और मैं एकदम से पैनिक में, सनम रिलैक्स, कुछ नहीं होता। फिर मैंने आयतुल कुर्सियाँ पढ़ने शुरू की, फिर मैंने अपने फ़ोन पे भी आयतुल कुर्सी लगाई कि अल्लाह कोई आ जाए, फिर मैंने फ़ोन से कॉल किया, हेलो सुनो उमर, मैं लिफ्ट में बंद हो गई। मैं बहुत पैनिक थी, तो मैं अपने आप को काम डाउन, मैंने कहा हाँ उमर, कहाँ, अच्छा ऊपर, ज़रा लिफ्ट मैन को बुलाना, हम लिफ्ट में बंद हो, क्या वो सब पागल हो, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको पता था कि यहाँ बंद बेचारी प्रेग्नेंट भी है, सीरियसली ले रहे होंगे, इतना रिलैक्स है, आराम से जाना मुझे, लेकिन मुझे लग रहा था वो बस मेरा आखिरी दिन, उस दिन के बाद से मैं लिफ्ट बहुत अवॉइड करती हूँ। अच्छा, मुझे लिफ्ट का तो बंद होने का डर नहीं था, मेरे अब्बा को लगता था, तो अब मैं 9 महीने का था, मुझे याद है, हम किसी एक अपार्टमेंट, अच्छा 9 महीने का, 9 साल का, अरे वो प्रेगनेंसी दिमाग पर चढ़ गई ना, मैं 9 महीने चला गया, तो वो मैं वहाँ 9 साल का था, तो मैं अब्बा के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गया, वापस आ रहे थे, लिफ्ट बंद हो गई। ओके, और वो भी वो नहीं होती, वो दीवार आ जाती है, फिर दरवाजे वाली, पुराने जमाने की लिफ्ट, ओह माय गॉड, और दीवारें भी सादा दीवारें नहीं होती, पीके पड़ी होती दीवारों पे, या कुछ नारेबाजी लिखी होती, अब जा रहे हैं, पट 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 बंक बंद दीवार सामने। अच्छा, मुझे इससे डर नहीं था, मैं तो छोटा था, ये वाला डर अभी डेवलप ही नहीं हुए थे, अब्बा को लगता था डर, अब्बू को देख के डर लगता था। अच्छा, अब्बा को डर, अब्बा ना, अब्बा कह रहे क्या हो गया ये, मोटा पट पट मार रहे, अब वो दीवार पे क्या मारते हैं, हम लोग चीख रहे, अब्बा को देख के मेरी हालत खराब हो गई। मैं अब्बा को समझा, अब्बा आ जाएगा, टेंशन नहीं लें। तो फिर वो थोड़ी देर में कोई ऊपर गया, ऊपर जाके किसी ने लिफ्ट विफ्ट खींची, डोली डाल के, फिर हम, हमारा भी चेहरा आया आधा, हम रोशनी में बस। अच्छा, अब्बा को तो आ गया जल्दी चेहरा रोशनी में, मैं वहीं नीचे था आधे फुट का, अब अब्बा ने मुझे उठा के रोशनी में किया, फिर मुझे निकाला के फिर हम आए, और जब हम आ गए ना, अब्बा नीचे आ गए, तो अब्बा मुझसे क्या कह रहे हैं, घबराने वाली क्या बात है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, कोई एक भी गंदी बात नहीं की, थैंक यू सो मच। वो तो मुझे पता नहीं कि, मुझे नहीं पता कि कोई गंदी बात हुई है कि नहीं, पता नहीं, हो भी पता ही नहीं चलने देता मैं, वो भी पता नहीं चलने देता मैं, जब ऑनर आएगा तो पता चलेगा इसका मतलब क्या था। यार आप ऑडियंस को बताएं, पता ही नहीं चलता शो में कोई गंदी बात हुई है कि नहीं हुई, वैसे ऑडियंस से पूछते हुई है कोई आज गंदी बात, ये कमीने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यूट्यूब पे बैठ के लिखेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा कल्चर नहीं है, और वो टैग टाइम लाइन जो टैग करेंगे ना, वो बिल्कुल आखिरी पार्ट वाली होगी, जो सबूत होगी ना पूरा देखा है। तो सर आप आई और कोई गंदी बात भी नहीं हुई, थैंक यू, फैमिली शो लगा। लेकिन सर आप आई, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, अब पहली बार ब्लू सोफे पे कोई रेड गेस्ट, रेड कपड़े पहन के गेस्ट बैठा है, वरना सब ब्लू ही कपड़े पहन के आ रहे हैं, जरा हॉट पिंक टाइप कोई है, मैजेंटा, मेरे बात सुन एक सेकंड,
लड़कों के ना तीन कलर होते हैं, चार, ब्लैक व्हाइट, नहीं नहीं गलत कलर है, प्राइमरी कलर होते हैं ग्रीन ब्लू रेड येलो। अच्छा सही, हमें ना बताया करें मैजेंटा मऊ, ये हमें नहीं आता भाई ये। ठीक है भाई, ये पता ये क्यों होता है ऐसा, लड़कियों को इतने आपके सॉक्स अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, ब्लू कलर के। तो ये क्लोजिंग करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, सनम जान। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड शनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए।